नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आई है जिसका नाम है जंग ई, जो कि एक साउथ कोरियन साइंस फिक्शन मूवी है और इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है। और अगर बात की जाए इस मूवी की स्टोरी की तो इस मूवी को फ्यूचर में सेट किया गया है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो धरती है वो कई क्लाइमेट चेंजेस और काफी सारे अदर रीजंस की वजह से ह्यूमंस के रहने लायक नहीं रही है, जो कि हम ह्यूमंस द्वारा ही क्रिएट किए गए हैं, जिसकी वजह से ह्यूमंस अब रहने के लिए स्पेसशिप का सहारा ले रहे हैं और अब वो वहीं पर ही अपनी कॉलोनी बनाकर रहने लग जाते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम तो तब आती है जब वहाँ के लोगों के बीच सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है और जिसे रोकना बहुत ही मुश्किल काम है। और यहीं पर हमें एक एआई सोल्जर की स्टोरी देखने को मिलती है जिसका नाम है जंग ई, और इसके क्रोन की सहायता से कुछ साइंटिस्ट द्वारा इस जंग को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो क्या जंग ई इस वॉर को रोक पाएगी या फिर नहीं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो अब बात कर लेते हैं क्या ये मूवी देखने लायक है या फिर नहीं। अगर मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो मूवी की स्टोरी ऐसी नहीं है जैसे कि हमने पहले कभी नहीं देखी। ऐसी रोबोट्स और टाइम मशीन वाली मूवी हमने पहले भी कई बार देखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी मूवी काफी अच्छी है। और अगर आपने ट्रेन टू बुसान मूवी देखी है तो पक्का ये मूवी आपको पसंद आएगी, क्योंकि इस मूवी को भी डायरेक्ट उसी डायरेक्टर ने किया है जिसने ट्रेन टू बुसान को डायरेक्ट किया था, और हम सभी जानते हैं कि वो मूवी कितनी मस्त थी। और इस मूवी की एक और अच्छी बात यह है कि ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देती, क्योंकि ये मूवी काफी फास्ट पेस में चलती है जिससे आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। और अगर बात की जाए मूवी के एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तो सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी, लेकिन आपको इस मूवी में एक इरिटेटिंग मैन जरूर देखने को मिलेगा जो काफी ज्यादा बकबक करता है। और साथ ही साथ इस मूवी में आपको जंग ई की बैक स्टोरी भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर मूवी में थोड़ा सा इमोशनल टच दिया गया है और इसके विजुअल्स और बीजीएम भी काफी ठीक ठाक है। तो कुल मिलाकर ये मूवी एक अच्छी मूवी है जिसे आप एक बार तो टाइम पास करने के लिए देख ही सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। और जिन लोगों ने मूवी देख ली वो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो मिलते हैं इसी साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।